फेटुचीनी अल्फ्रेडो सादगी और स्वाद का एक अद्भुत मेल है, एक क्लासिक डिश जिसने पूरी दुनिया में खाने वालों का दिल जीत लिया है, खासकर इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस कुलिनरी खजाने का सच्चा इतालवी वर्जन कैसे बनाया जाता है। इंग्रेडिएंट्स: 250 ग्राम ताजा फेटुचीनी, 100 ग्राम मक्खन, 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ परमिजानो, नमक और काली मिर्च वैकल्पिक, कद्दूकस किया हुआ जायफल वैकल्पिक। शुरुआत करते हैं नमकीन पानी को उबालकर और फेटुचीनी को अल डेंटे तक पकाएं। इसी दौरान एक बड़े पैन में मक्खन को धीमी आंच पर पिघलाएं। फेटुचीनी को छान लें और पिघले हुए मक्खन वाले पैन में डालें। परमिजानो डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि पास्ता, पनीर और मक्खन के साथ मिलकर एक क्रीमी सॉस बन जाए जो फेटुचीनी से अच्छे से चिपक जाए। अगर आप चाहें तो काली मिर्च और जायफल का थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं। तुरंत परोसें और अगर चाहें तो ऊपर से और परमिजानो के टुकड़े डालें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस जैसी और वास्तविक रेसिपी से आप चूके नहीं, और हमारी वेबसाइट पर और जानकारियां एवं सुझावों के लिए जरूर देखें। क्या आपको पता है कि फेटुचीनी अल्फ्रेडो की रचना रोम में हुई थी, एक रेस्तरां में जिसका नाम इसके रचयिता अल्फ्रेडो के नाम पर था। मूल संस्करण में केवल उच्च क्वालिटी के मक्खन और परमिजानो का ही उपयोग होता था। अमेरिका में इस रेसिपी को अनुकूलित करते हुए क्रीम डालकर इसे और अधिक क्रीमी बनाया गया। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक रेसिपी विभिन्न खानपान संस्कृतियों में विकसित और समायोजित हो सकती है।